ये डब्बा है, इसमें लगाऊंगा मैं। तो इसमें मैं पहले पपीते का पेड़ 10-11 इंच हो गया था, तो फिर निकाल के मिट्टी में लगा दिया हूँ। तो अब इसमें मैं फिर यह आम का कलम लगाऊंगा, नया प्लांट। अभी मेरा गोबर वाली मिट्टी और ये केचुआ की मिट्टी है, आप देख सकते हैं। ये दोनों मिट्टी को मैं मिक्स कर लूँगा, मिक्स करके फिर डब्बे में डाल के आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये दोनों मिट्टी को मिक्सचर कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको डब्बे के अंदर भरता हूँ। ये डब्बा मेरा पहले से काटा हुआ है, जब ये पपीते का प्लांट मैं इसमें से निकाल के मिट्टी में लगाया था उसी वक्त का ये कटा हुआ है। तो मैं इसमें कुछ रस्सी बांध दूँगा ताकि इसको पकड़ के रखें मिट्टी को। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको बांध दिया है। अब इसमें वाटरिंग कर दूंगा मैं, और फिर मैंने कई लगाया है, आपको मैं वीडियो में भी दिखा देता हूँ। और कभी जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, कम से कम 4 से 5 इंच का एक डाल निकल गया है उसमें। आपको उसका भी, वो अभी छत के ऊपर है, तो मैं उसको भी ऐसे ही गमले में लगा के रखा हूँ। एक टिन का डब्बा है तेल का, उसी में रखा हूँ लगा के। और भी है, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपने ये थर्माकोल का डब्बा बना के इसमें भी लगाया हूँ बहुत सारा। ये जो था पहले, मेरा लापरवाही के कारण ये मर गया था, तो फिर इसको मैं दोबारा से कलम बनाया हूँ, बांधा हूँ। तो फिर अब मैं उसका जो लगा हुआ है, जो लग गया है, उसका मैं आपको इसी में फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। वो अभी छत के ऊपर है, इसलिए मैं उसके ऊपर अभी चढ़ नहीं सकता क्योंकि धूप बहुत है, और मैं इसको छांव की जगह रखा हूँ। तो दोस्तों चलिए, अब मैं इसमें वाटरिंग कर देता हूँ। आपको इसमें पूरा मिट्टी गीला कर देना है, नीचे से पानी टपक के बाहर निकल जाना चाहिए, ऐसा गीला करना है। फिर उसके बाद आप चाहें तो, अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी में 4 दिन 5 दिन या हफ्ते दिन में आप वाटरिंग पानी दे सकते हैं इसमें। थोड़ी देर बाद अभी पानी पूरा नीचे चला जाएगा, पूरा मिट्टी गीला हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। वो पानी पी गया, फिर दोबारा से पानी डाल देता हूँ। अब फिर हम इसमें एक पॉलीथीन लगा देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं ताकि हवा और पानी से या गर्मी से ये सूखे नहीं। और इसको हम बांध देते हैं नीचे से।
तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें पन्नी भी लगा दिया है। अब हम इसको किसी ऐसी छांव जगह रखेंगे, एक महीना तक इसे छांव में ही रखेंगे, जैसे कि डायरेक्ट रोशनी इसके ऊपर सूरज का ना पड़े। ठंडे ठंडे में इसका जॉइंट हो जाएगा और ये ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।